किसान अपने फसल का उत्पाद बेच सके। हम वन विभाग से भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं कि जो हमारे फसलें हैं वन उपज उसको बाजार में बेच सके, इसके लिए भी हम काम में लगे हैं। हम एक अपने अधिकारी को इस काम में लगाए हैं कि जल्दी इस नियम को फाइनल करें। लगातार जो चुनौती है हमारे किसानों के सामने उत्पादन का नहीं है। उत्पादन में सामने में बाकी लोग हैं जो कंक्रीट की खेती किए हैं, पक्के मकान बनाए हैं, वो रहने वाले क्या खाएंगे इसकी चिंता में हम किसान दुबले होते जा रहे हैं, वो मोटे होते जा रहे हैं। यह है समस्या की पैदा किया हुआ लोग दिल्ली बॉम्बे पटना में बैठे हैं, लोग मोटे हो जाते हैं खा खा करके, उनको हार्ट का मरीज हो जाते, डायबिटीज का मरीज हो जाते, उनके लिए हॉस्पिटल भी खोलना पड़ता है। ये हमारे सब चुनौती है, इनके लिए भी हमको देखना है। अगर देश का किसान तय कर ले 3 साल कि हम अपने खाने से ज्यादा नहीं पैदा करेंगे तो सच में देश के सभी मौका साफ और देश के नेता सुधर जाएंगे। लेकिन हम लोग का मन ही नहीं मानता किसानों का। हम प्रतिशत है कि खाने का 7 क्विंटल जाए तो मेरा तो 7.25 क्विंटल कैसे जाएगा। तो दिन में यूरिया छिड़ते हैं तो दूसरा वाला किसान रात में यूरिया छिड़ता है कि मेरा 7.25 क्विंटल कैसे होगा। परिणाम पीटिएगा उस अधिकारी को, मार्ग पर वाले को दिखाया सड़क पे, कारोबारियों को बोल रहे लोगों को कि तुम्हारा तुमको है ही नहीं कैसे घूम रहा है, नया अधिकारी देखेंगे यहाँ पर, वो इधर देखते हैं अच्छा अधिकारी आ जाए। ये हालत है हमारे विभाग का। 50-50 हजार सूखता है दुकानों से, 35-35 हजार हिंदों में खुलते बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। फरमान वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी को बताएंगे। खाने में FIR लगाने जाते हैं, बिना लिखे हुए FIR होता है कहीं? तो जब वहां लीक के देते हैं तो यहाँ भी लीक के दीजिए भाई। और जो लीक क्या है वो बिजली विभाग का है तो सिंचाई विभाग का है। मेरे विभाग का एक हार्वेस्टर का मामला कि पानी में जिस खेतों में पानी हो कीचड़ हो।